विरहा जगत की एक अपूर्ण क्षति थी जब उनका देहांत जी की उतनी छवि रही है कोई काट नहीं सकता न कोई दाग लगा। उसी तो तब होती सर कि जब इनके गांव में इनके जन्म स्थान पर एक मूर्ति की स्थापना होती और वहां पर जाता है कीर्ति अमर होती है और जल की कदर होती है सावनी गुजर जाने। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में उपस्थित हूं और गाजीपुर जिले का एक कासमाबाद क्षेत्र है और कासमाबाद के रामलीला मैदान में मैं उपस्थित हूं। यहां पर हमारे पीछे आप लोग देख रहे होंगे एक पोस्टर लगा हुआ है भावबीन श्रद्धांजलि बिरहा के बादशाह स्वर्गीय बेचन राजभर जी का और साथ में रुस्तम हिंद केसरी विजय राजभर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ। और अगर मैं बात करूँ स्वर्गीय बेचन राजभर जी का तो उन्हें कौन नहीं जानता। बिरहा जगत की एक अपूर्ण क्षति थी जब उनका देहांत हुआ और वो दुर्घटना कोई भी सुनता है तो उसका जो है रूह कांप जाता है। बिरहा जगत में एक अपूर्ण क्षति के रूप में माना जाता है उनका न होना। 22 अगस्त सन 2000 का वो दिन था जिसे याद करके आज भी कहीं ना कहीं बहुत दिल में दर्द होता है जब उनका एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ उनके श्रद्धांजलि में एक कार्यक्रम यहाँ पर होता आ रहा है। चंद्रहास राजभर जी हैं और डॉक्टर शिव कुमार यहाँ पे और लोग हैं, इनसे हम परिचय जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे और यही लोग कार्यक्रम करवाते हैं और ऐसे ऐसे कार्यक्रम से हमारे जो बिरहा जगत को बहुत बल मिलता है। ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए श्रद्धांजलि के रूप में। जो भी बिरहा के कलाकार हैं कहीं ना कहीं लोगों का बिरहा में बड़ा ही योगदान रहा है और जो विधा है ये पूर्वांचल की विधा बहुत पुरानी विधा कही जाती है और इस विधा को लेकर जितने भी हमारे बिरहा के कलाकार हैं आगे बढ़ रहे हैं आगे चल रहे हैं तो ये सराहनीय कदम है। और ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम हो रहे हैं जैसे कि श्रद्धांजलि दिवस और बिरहा जगह जगह पर बिरहा के और भी प्रोग्राम होते हैं तो इससे एक बिरहा को बल मिलता है। आइए हम जानते हैं यहाँ से चंद्रहास राजभर जी हैं। सर स्वागत है। क्या संतोष भाई और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जनता को और पूरे समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में जो कुछ कर जाता है इतिहास में उसका ही नाम होता है जो त्याग और परिश्रम अपने समाज के लिए करता है। और इस श्रद्धांजलि मनाने का मकसद है मेरा खास तौर से राजभर समाज के लिए जो पिछड़ापन राजभर समाज में है। आज हम लोग कहीं ना कहीं मतलब इसको इग्नोर करते जा रहे हैं जो हमारा इतिहास है और इतिहास को जो भुला दिया उसका विकास रुक गया ये दुनिया के लोग जानते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज हम 22 जुलाई से लेकर के और 22 अगस्त तक का सफ़र किया हूँ। हम लोग डॉक्टर साहब और हम एक साथ चल करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज 22 तारीख का डेट भी है। तो यह अपने समाज को जागरूक करने के लिए कि हमारे समाज के लोग अपने लोगों को पहचाने। हमारे लोगों में भी प्रतिभाएं इस तरह की छिपी हैं जैसे कि बिरहा जगत में जहाँ तक भी बिरहा जगत की छवि रही होगी हमारे उस्ताद स्वर्गीय बेचन राजभर जी की उतनी छवि रही है कोई काट नहीं सकता न कोई दाग लगा सकता। और राजभर समाज में जन्मे हमारे स्वर्गीय विजय पहलवान जी जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इनका चयन हो चुका था रुस्तम हिंद केसरी का खिताब इन्होंने जीता था। और ऐसे ऐसे महापुरुषों को हम भूल जाएं यही जागरूकता को लेकर के हम समाज में ऐसा कार्यक्रम करने के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं खुद और हमारे बीच में है हमारे उस्ताद स्वर्गीय बेचन राजभर जी के। देखिए ये स्वर्गीय बेचन राजभर जी के बड़े पुत्र हैं संजय जी, इनका इंटरव्यू आपने हमारे चैनल पर देखा होगा। मैं केवल उन्हीं लोग जो बिरहा के लिए इस समय गा रहे हैं उन्हीं लोगों के पास नहीं पहुंचता हूं, उन तमाम हस्तियों के पास पहुंचा हूं जो इस दुनिया में नहीं है और कहीं ना कहीं उनका बिरहा के प्रति और इस जो पुरानी पूर्वांचल की विधा है उसके प्रति उन लोगों का हाथ रहा है। और ऐसे ऐसे कलाकारों के पास भी गया हूं तो इनके घर पर भी मैं पहुँचा था, इनसे बातें हुई थी। तो सर यहाँ पर आप श्रद्धांजलि के रूप में उपस्थित हैं, यहाँ पर सर मना रहे हैं भावभीनी श्रद्धांजलि जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर आप उपस्थित हैं और आपका तो घर मऊ में पड़ता है फिर यहाँ पर आप श्रद्धांजलि मनाने के लिए आते हैं, कैसा लग रहा है कि यहाँ पर आके मनाना पड़ रहा है कि आपके गांव में इनका मूर्ति वगैरह की स्थापना हुई है कि नहीं? नहीं अभी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, यहाँ पे मनाने के लिए हम लोग आते हैं सभी लोग कलाकार जुटते हैं इसलिए। लेकिन खुशी तो तब होती सर कि जब इनके गांव में इनके जन्म स्थान पर एक मूर्ति की स्थापना होती और वहाँ पर कार्यक्रम होता। अब हो जाएगा क्योंकि
किसी भी चीज़ को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब ये पेशे से अध्यापक हैं, इनको मतलब ऐसे व्यक्ति से मूल मुलाकात नहीं हो पाई थी, इन्होंने पहचाना मुझे। पर साल मैंने 21 साल बाद स्वर्गीय बेचन नाजबे जी की श्रद्धांजलि मनाई थी और अब इनसे मुलाकात हुई, इसमें काफ़ी सपोर्ट है आपका। हो सकता है हम दोनों भाई मिल करके बहुत बड़ा कार्यक्रम कर जाएँ और मूर्ति भी लगेगी। जब समाज की सोच हो जाएगी तो आपके आशीर्वाद से मूर्ति भी लग कर रहेगी, ये भी कोई दो राय नहीं है, मैं इतना जरूर आश्वासन दूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। यहाँ पर जो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, सम्राट विजयलाल यादव से लेकर बहुत लोग यहाँ पर आने वाले हैं। शाम तक रात तक ये कार्यक्रम चलेगा और मुख्य अतिथि के रूप में उमाशंकर कुशवाहा जो बिरहा शुभ चिंतक हैं छावनी लाइन गाजीपुर के, वो भी यहाँ पर आएंगे और भी लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उपस्थित होंगे और रात तक पूरी रात ये कार्यक्रम चलेगा। जितने भी कलाकार रहेंगे बिरहा के, कुछ कोई न कोई यहाँ पर सब लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और छोटी 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 प्रस्तुतियाँ अपना देंगे श्रद्धांजलि के रूप में। थोड़ा सा हम एक और बात कर लें जी। देखिए, इस कार्यक्रम की सफलता के कड़ी में अगर हाथ कहा जाए बहुत बड़ा सहयोग, तो देखिए हमारे CRPF के हवलदार हमारे बड़े भैया जितेंद्र राजभर जी जो सिकंदरपुर बलिया के रहने वाले हैं, लगातार मुझको मोटिवेट करते रहे अपने ड्यूटी पर। सभी झारखंड में इनकी ड्यूटी है, वहाँ से उन्होंने कहा कि चंद्रास तुम आगे बढ़ो, समाज का काम जो काम कर रहे हो रुकेगा नहीं, हम लोग तुम्हारे पीछे खड़ा है और आप लोग के आशीर्वाद से और तमाम जनता के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रास तो अपने औकात से अगर झांका जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आज समाज के लोगों ने हमको बहुत कुछ ऊँचा पर ला दिया है, जिसका कि आप श्रेय आज देख रहे हैं पूरा। देखिए, सेना के जवानों में बहुत वो बिरहा के प्रति बहुत सम्मान होता है, क्योंकि बहुत लोगों का फोन आता है जब मैं इंटरव्यू करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं कहीं लोगों का भी योगदान है। देख रहे जो जवान है जो आर्मी के, वकील राजभर भी सब के और जितेंद्र राजभर STF के, छोटन राजभर सूबेदार क्लर्क है और जितेंद्र राजभर CRPF के जवान है, ये अभी ये भी जवान है और इन लोगों का बड़ा ही योगदान रहता है जी। क्या नाम है? मेरा नाम पूरा जितेंद्र राजभर है, CRPF से मैं हूँ, सिकंदरपुर बलिया मेरा घर है। अच्छा, बलिया से आप चल के यहाँ? हाँ जी, बलिया से चल कर आए हैं। इस कार्यक्रम को चंद्रभास भाई को देखते हुए मुझे आना पड़ा यहाँ सर। चलिए, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को होना चाहिए यहाँ पर। और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, लोगों से थोड़ा सा परिचय जानिए। क्या नाम है? ब्रजेश सिंह, मऊ हरपुर। बिचन जी बहुत टॉप कलाकार थे, उनकी लाइन थी एक कि आदमी चला जाता है कीर्ति अमर होती है, आदमी चला जाता है कीर्ति अमर होती है और जल की कदर होती है सावनी गुजर जाने पर। आदमी की कीमत जीते जी नहीं होती, उसके मरने के बाद होती है। और चंद्रहास भैया के मैं बहुत आभारी हूँ कि उसे महान व्यक्ति का कार्यक्रम ये करा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ जाकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि एक दो लाइन कुछ कहें आप श्रद्धांजलि के रूप में, गा कर आप बताएं, क्योंकि आप कलाकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं, नेता भी हैं, तमाम आपके अंदर गुण हैं। वाह वाह वाह, तो जब आपने मांग कर ही दिया है तो पहली प्रस्तुति हम मार दे। दो लाइन मैंने रात में सोच रहा था भाई, मौका तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन दो लाइन मारूंगा, क्योंकि हमारे उस्ताद की छवि क्या थी। अरे बिरहा में आ गयल भूचाल हो, बिरहा में आयल तब भूचाल हो, बाजल कर ताल बेचन राज भर के, बिरहा में आ गयल भूचाल हो, बाजल कर ताल बेचन गुरु के। ये लाइन थी कि जिस दिन में उनका करताल बजा था पूरे बिरहा जगत में भूचाल आ गया था, और उस दिन बहुत बड़ी छवि हुई थी भैया, जिस दिन उन्होंने दम भी तोड़ा था। पूरे समाज के आवाम को मैं जानता हूँ कि किसी के ऐसा ना व्यक्ति रहा होगा जो उनके आंखों में आंसू ना आ गया हो। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के कारवां को लेकर के समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना कदम बढ़ाया हूँ। और भी गीत होगी, लेकिन मेरा साज पर गीत होगा, आज ये गीत होगी, मैं भी गाऊँगा 5 मिनट। लोग जानेंगे कि राजभर समाज में राजभर समाज ने भी किसको किसको पैदा किया। देखिए, यहाँ पर बिरहा के तमाम दिग्गज और बिरहा के सभी कलाकार आएंगे और रात भर कार्यक्रम होगा। छोटा बहुत छोटा छोटा लोग प्रस्तुति देंगे श्रद्धांजलि के रूप में, और मैं ऐसे व्यक्तित्व को और ऐसे बिरहा सम्राट को जो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए बस मैं इस वीडियो का अंत करूँगा। तो ऐसे ऐसे जो कलाकार हैं जो बिरहा से जुड़े हुए हैं, इस विधा से, पूर्वांचल की इस विधा से जुड़े हुए हैं, सभी का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इन सभी का इंटरव्यू लेकर आप
अपने चैनल के माध्यम से उनके बारे में आप लोगों को बताया करूं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।